उत्तर प्रदेश के अयोध्या का नया घाट बंदा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहे के नाम से जाना जाएगा। इसके बारे में डिटेल से आगे बताएंगे। कर्नाटक के एक स्कूल में प्रिंसिपल की पिटाई कर दी गई। वजह थी, उन्होंने बच्चों से पैगंबर मोहम्मद पर निबंध लिखने को कहा था। क्या है पूरी खबर, जानेंगे आगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर बैन लगा दिया गया है। इस संगठन के खिलाफ देश भर में पिछले कई दिनों से छापेमारी चल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। PFI को गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए अगले 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। साथ ही इससे जुड़े तमाम दूसरे संगठनों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है। इससे पहले NIA की तरफ से देश भर के तमाम राज्यों में इस संगठन के खिलाफ छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत एजेंसियों के हाथ लगे, जिसमें टेरर लिंक के आरोप भी शामिल हैं। विवादित संगठन PFI का नाम तमाम तरह की हिंसा और दंगों से जुड़ता रहा है। 27 सितंबर की छापेमारी में जांच एजेंसियों को ऐसे कई सबूत मिले जो बताते हैं कि PFI की तैयारी हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की थी। हवाला से हासिल की गई रकम का इस्तेमाल PFI देश में दंगे कराने के लिए करने वाली थी। अब बैन लगाए जाने के बाद PFI नेताओं के खिलाफ जोरदार कार्रवाई हो सकती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगने के बाद विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की मांग की है। कांग्रेस सांसद सुरेश के बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मांग की है कि संघ पर भी बैन लगाया जाए। लालू ने कहा कि संघ भी पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है, जो PFI की तरह ही है, इसलिए इसे भी बैन करो। हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले RSS पर बैन करिए। RSS को ये उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नया घाट बंधा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहे के नाम से जाना जाएगा। सुर सामग्री लता मंगेशकर के नाम पर बने स्मृति चौक का लोकार्पण बुधवार को CM योगी ने किया। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी शामिल हुए। PM नरेंद्र मोदी ने अपना वीडियो संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लता दीदी सरस्वती की साधिका थी, उनके स्वरों ने दुनिया को जोड़ा था। मोदी ने कहा कि लता दीदी राम मंदिर निर्माण से काफी खुश थी। लता मंगेशकर की आज 93वीं जयंती है। लोकार्पण से पहले लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें, लता मंगेशकर चौक के कंस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसको 30 दिन में करीब 8.50 करोड़ की लागत से बनाया गया है। कर्नाटक से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उन्होंने बच्चों को पैगंबर मोहम्मद पर निबंध लिखने के लिए कहा था। मामले की जांच जारी है। घटना नागबी गांव के सरकारी हाई स्कूल की है। कार्यकर्ताओं ने स्कूल में घुसकर प्रधानाध्यापक अब्दुल मुनफर बीजापुर को पीटा, जिससे स्कूल के बाकी लोग हैरान रह गए। अब्दुल के मुताबिक एक हफ्ते पहले कोई परिचित उनके पास आया और एक निबंध प्रतियोगिता के लिए पैसे प्रायोजित करने की पेशकश की। अब्दुल ने बताया, छात्रों के बीच लिखावट में सुधार करने के लिए हमने नालेल्स नाम की पुस्तक पर आधारित एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसके लिए ये कहा गया कि इस्लाम को बढ़ावा देती है, जो गलत है। उन्होंने कहा, हर महीने कम से कम एक या दो इवेंट होते हैं जहां हम प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। हमने पूर्व में भी कनकदास, पुरंदरदास और अन्य व्यक्तित्वों पर कार्यक्रम और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। ये निबंध प्रतियोगिताएं छात्रों को इन व्यक्तित्वों से परिचित कराने और उनकी लिखावट में सुधार करने में मदद करने के लिए आयोजित की जाती हैं। श्री राम सेना के राजू खानपनवर ने कहा कि वे प्रधानाध्यापक से सवाल करने गए थे क्योंकि निबंध प्रतियोगिता केवल पैगंबर मोहम्मद पर थी। उन्होंने कहा, हेडमास्टर का दावा है कि कोई व्यक्ति स्कूल आया और विजेता के लिए 5,000 रुपए की पेशकश की और अनुमति देने के लिए वे तैयार हो गए। एक शिक्षक के रूप में उन्हें किसी एक धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। वह एक तरह से युवा दिमागों में इस्लाम को बढ़ावा देकर अन्य समुदायों को बदनाम कर रहे हैं। कोलकाता में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ शहर में डेंगू से मरने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। गौरतलब है कि कोलकाता में मंगलवार को डेंगू से 2 और मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ पिछले 2 दिनों में वेक्टर जनित बीमारी से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य में डेंगू के ताजा मामलों की संख्या 1,000 का आंकड़ा पार कर गई है और पहली बार 1,375 मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि बीते 24 घंटों में कोलकाता में डेंगू से मरने वाले 2 मरीजों में से एक ढाकुरिया की 65 वर्षीय महिला थी और दूसरी मरीज हरिदेवपुर की 90 वर्षीय महिला थी। सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इसके लिए 5 जजों की बेंच गठित की गई है। 2016 में विवेक शर्मा ने याचिका दाखिल कर
सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद 58 और याचिकाएं दाखिल की गईं। अब तक सिर्फ 3 याचिकाओं पर ही सुनवाई हो रही थी, अब सब पर एक साथ सुनवाई होगी। ये सुनवाई जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में होगी। इस मामले में 16 दिसंबर 2016 को ही ये केस संविधान पीठ को सौंप दिया गया था, लेकिन तब बेंच का गठन नहीं हुआ था। 15 नवंबर 2016 में उस समय के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की थी। चीफ जस्टिस ने कहा था, नोटबंदी की योजना के पीछे सरकार की जो मंशा है वो तारीफ के लायक है। हम आर्थिक नीति में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हमें लोगों को हो रही असुविधा की चिंता है। उन्होंने सरकार से इस मसले पर एक हलफनामा दायर करने को कहा था। गरीबों को मुफ्त में राशन मिलने वाली योजना को मोदी सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। इस बात का फैसला आज हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। साथ ही महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ाया गया है। ये योजना 30 सितंबर को खत्म हो रही है। आज कैबिनेट की मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया कि मुफ्त अनाज योजना को अगले 3 महीने यानी दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया जाए। सलमान ने बिग बॉस 16 के लिए 1,000 करोड़ रुपए फीस मिलने की खबरों को खारिज कर दिया है। बता दें, बिग बॉस का नया सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होगा। अगस्त से ये खबरें आ रही थी कि वे 1,000 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। मंगलवार की रात इस शो के लॉन्च इवेंट में सलमान ने इससे इनकार कर दिया। इवेंट की होस्ट गौहर खान ने सलमान से पूछा कि क्या वो इस शो को होस्ट करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए ले रहे हैं। इसके जवाब में सलमान ने कहा, ये सब गलत खबरें हैं। अगर मुझे इतने पैसे मिले तो मैं लाइफ में कभी काम ना करूं। हालांकि लाइफ में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मुझे इतने पैसे मिलेंगे। इसके अलावा अगर मुझे इतने पैसे मिले तो मेरे इतने खर्चे हैं जैसे वकीलों का खर्चा, जिनकी मुझे वाकई में जरूरत पड़ जाती है। सलमान ने आगे कहा, बिग बॉस की फीस 1,000 करोड़ रुपए का 1/4 भी नहीं है। इन रिपोर्ट्स को इनकम टैक्स और ईडी वाले भी पढ़ते हैं और चेक करने के लिए मेरे घर आ जाते हैं। फिर उन्हें सच्चाई का पता चलता है कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दाली डर हिंदी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और लीडर देखते रहिए, बेहतरीन चैनल है।